दुनिया का सबसे खूबसूरत दिखने वाला पक्षी है, जो भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। जी हाँ, मैं मोर की बात कर रहा हूँ, जिसका मूल स्थान दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में है। ये पक्षी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। मादा मोर की लंबाई सिर्फ 95 सेंटीमीटर ही होती है। नर और मादा पहचानने में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि नर के सिर पर छोटी कलंगी होती है तथा रंगी बिरंगी फरों से बनी खूबसूरत पूंछ होती है। इनकी पंखों की संख्या करीब 150 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ज़्यादातर मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु ये सफ़ेद हरे जामुनी रंग का भी होता है। मोरनी घोंसला नहीं बनाती, ये ज़मीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। मोर की दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब ये पक्षी पंख फैलाकर नाचता है, तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरों से जड़ी शाही पोशाक पहनी हुई हो। ये दृश्य देखने में बहुत ही लाजवाब होता है, इसलिए मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में भी मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनके एक तरफ मोर का ही चित्र बना होता था। मोर मांस पक्षी होते हैं। ये बीज, कीड़े, फल और छोटे सांपों को खाते हैं, लेकिन बड़े सांपों से दूर ही रहते हैं। मोर मूलतः वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश इसे कई बार मानव आबादी तक ले आती है। रात के वक्त सोने के लिए ये पक्षी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इनकी उम्र 25 से 30 साल तक होती है। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हर साल मोरों की संख्या कम होती जा रही है, इसीलिए भारत सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम भी उठाए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।